हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन बीएससी में भी ये पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है ये मैं आपको भी सामने डिस्कस करूंगा। फर्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशंस हम मैथमेटिक्स में कौन कौन से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं आपके सामने कि जैसे कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा है, लाइव मैच चल रहा है, उस मैच का अगर आप टेलीकास्ट देखें तो जो पिक्चर होता है वो सिग्नल में कन्वर्ट होता है, देन वो ट्रांसमिट होता है, देन सिग्नल वापस पिक्चर में इनवर्स कन्वर्ट होता है। सेम ट्रांसफॉर्मेशन, ये दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पे हमने कहा अगर आप पिक्चर को सिग्नल में कन्वर्ट किया, सिग्नल वापस पिक्चर में कन्वर्ट हुआ, राइट। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, कोई भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को हम टी वेरिएबल है उसको हम एस में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको सिंप्लीफाई करके वापस हम क्या ले लेते हैं, इनवर्स ले लेते हैं। सो अगर आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है तो आपको उसका इनवर्स भी आना चाहिए, तभी उस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पैसे 2 लाख रुपए आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बैंक में उसको डिपॉजिट कराएंगे, देन उसके बाद दूसरी जगह जाएंगे वापस वहां से क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे प्रोसेस को कि आपने वापस निकाल लिए। तो आपने क्या करा, अपनी हार्ड मनी को सॉफ्ट मनी में कन्वर्ट किया, देन कुछ टाइम के बाद वापस आपने सॉफ्ट मनी को हार्ड मनी में कन्वर्ट किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। पर आपने अगर पैसा जमा कराया तो आपको पैसा निकालना भी आना चाहिए। सेम यहां पे अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीखेंगे तो आपको इनवर्स लाप्लास भी पैरेलल आना चाहिए। सो मैं जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इनवर्स लाप्लास भी निकालते हैं। सो डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग कि अच्छा मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी समझा देता हूं। इसका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा है, वहां पे हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या कुछ इंटीग्रेशंस हैं उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेट एफ टी बी द फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर 0 टू इन्फिनिटी, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाय एल ऑफ एफ टी, या इसको एफ एस से भी डिनोट करते हैं, और इट इज डिफाइंड बाय Laplace of ft is equal to fs, ये इसको ऐसा भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ पे ये जो s है ये 0 और 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं होगा। सो ये डेफिनेशन है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस तरह से फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। सो मैं आपको यहां बताऊंगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे हम अप्लाई करते हैं, कुछ बेसिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं आपको निकाल के समझाता हूं। मैंने अभी आपको बताया था कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये पूछा जाए कि वॉट इज द लाप्लास ऑफ 1, तो क्या होगा, 0 से इन्फिनेटिव ये जो एफ टी है इस एफ टी की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, राइट। एंड देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 से इन्फिनेटिव, सो इसकी लिमिट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव माइनस ई की पावर माइनस एस, हम जानते हैं e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होगी, सो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/s आएगा। तो मैं आपको यहाँ कुछ फार्मूले समझाना चाहता हूँ कि लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इज इक्वल टू 1। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाने वाला हूँ उसके अंदर मैं आपको लाप्लास और इनवर्स लाप्लास पैरेलल सिखाऊंगा कि कैसे हम लाप्लास निकालते हैं, बिकॉज साथ साथ में फटाफट समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है, डिवीजन प्रॉपर्टी, बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो उसमें आप दोनों पैरेलल सीखोगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लाप्लास कब निकालना सर, इनवर्स लाप्लास कब निकालना, तो मैं आपको दोनों आपको सिखाऊंगा। जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर मैं बात करूँ इस 1 की जगह मैं टी पावर एन रखूँ, क्या रखूँ, टी पावर एन, तो यहाँ क्या आएगा, ये 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एस टी टी पावर एन डी टी, राइट। तो अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पे सीधा जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा आपके पास e की पावर गामा एन प्लस वन, बोलते हैं यहां पे गामा एन प्लस वन अपॉन एस पावर एन प्लस वन, ये सीधा इसका इंटीग्रेशन आता है अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे। तो मैं आपको सीधी बात बताता हूं, यहां पे लाप्लास ऑफ टी पावर एन इज इक्वल टू कितना आता है, यहां पे वन गामा एन प्लस वन अपॉन एस पावर एन प्लस वन। तो अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूं तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन
एस पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू कितना आता है टी पावर एन अपॉन गामा एन प्लस वन. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर नाइन, कोई आपसे ये पूछे तो टी पावर नाइन का लाप्लास क्या बेटा, जो भी पावर होगी वो वहां पे क्या हो जाएगी एन है तो एन प्लस वन हो जाएगी, मतलब यहां पे क्या होगा गामा टेन अपॉन एस पावर टेन. अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर थ्री बाई टू तो क्या आएगा यहां पे गामा फाइव बाई टू अपॉन एस पावर 5 बाई टू. तो इस तरह से हमें देखो फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, फार्म याद रखने से कुछ नहीं होगा, इसको अप्लाई कैसे करना ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं. इसी टाइप से अगर इनवर्स की बात करें कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ लाप्लास ऑफ एस पावर 9, तो आप देख रहे हो ये जो 9 ये एन प्लस वन यहां भी क्या रहा एन प्लस वन, तो इसका फार्मूला क्या होगा गामा 9 अपॉन ऊपर एक पावर कम हो जाता, देखो यहां एन प्लस वन है क्या हो रहा है एन, तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा. मतलब इस तरह से हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे. जैसे अब मैं बात करूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 तो इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन एस माइनस ए. तो नाउ इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल टू कितना आएगा ई की पावर 80. अब आपसे ये पूछे कि व्हाट इज लाप्लास ऑफ, मैं यहां थोड़ा सा जगह नहीं तो मैं थोड़ा सा बना देता हूं. अब यहां से आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज लाप्लास ऑफ, व्हाट इज लाप्लास ऑफ e की पावर 2t, तो इसका क्या आएगा 1 अपॉन s माइनस 2. देखो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इस इंटीग्रेशन से ही निकली है, बट अब सीधा याद रखना आपको, बार बार इंटीग्रेशन करने हम बैठ नहीं सकते हैं. इसी टाइप से अगर मैं आपसे बोलूं कि e की पावर माइनस 70 तो इसका लाप्लास कितना आएगा 1 अपॉन s प्लस 7. अगर मैं उल्टी बात करूं कि आपको इनवर्स निकालना लाइक 1 अपॉन s माइनस 3 का इनवर्स, तो ये जो माइनस a है ये यहां पे क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो e की पावर कितना आ जाएगा ये 3t. अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज लाप्लास ऑफ s प्लस 10 तो कितना आएगा ये e की पावर माइनस 10t. तो इस तरह से हम e की पावर का लाप्लास निकालते हैं और फिर उस फंक्शन का इनवर्स कैसे हम निकालते हैं. नाउ अब देखिए यहां पे आप लाप्लास ऑफ साइन 80 एंड लाप्लास ऑफ कॉस 80, तो लाप्लास ऑफ साइन 80 का जो फार्मूला होता है वो होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहां आता है ये s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. देखो स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है साइन और कॉस के फार्मूले में, इसका इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम होता है, इसमें इसका रूट ऊपर आता है इसमें इसका रूट ऊपर आता है, राइट. ये जो फार्मूले मैं फिर से बता दूं ये इसी से निकले हैं, बट हम सीधा याद रखेंगे यहां पे. अब ध्यान देने की जरूरत है कि आपको कब कैसे पता पड़ेगा कि यहां पे a आ रहा है यहां पे s आ रहा है, तो cos मतलब s ऊपर, cos मतलब s ऊपर, ये ध्यान रखना आपको. इसी टाइप से अगर हम इसके इनवर्स की बात करें तो ये आएगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज साइन 80 अपॉन a. नाउ यहां बात करें हम तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज cos 80. अब मैं यहां पे आपके सामने कुछ फार्मूले की बात करूं कि इस फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैं पूरा हटा देता हूं यहां पे एंड देन आपको समझाता हूं कि कैसे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे. सो देखिए आप जस्ट लाइक अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज लाप्लास ऑफ साइन 40 या व्हाट इज लाप्लास ऑफ कॉस 40, तो यहां पे क्या होगा, यहां आएगा 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, यहां आएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16. यहां पे s ऊपर आता है यहां पे इस तरह से ऊपर आता है. अगर बात करें हम उल्टी दैट इज इनवर्स की, आपसे ये पूछे कि 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 49, आपसे ये पूछे कि s अपॉन s स्क्वायर प्लस 49, तो आपको यहां पे s ऊपर नहीं आ रहा मतलब साइन आएगा और ये जो 7 ये क्या आएगा नीचे आएगा, बिकॉज फार्मूला में क्या आता है साइन 80 अपॉन a. अगर हम इसकी बात करें तो यहां क्या आएगा ये cos 70. तो इस तरह से हम इसका वैल्यू मतलब फार्मूले अप्लाई करते हैं. एक और मैं आपको बता दूं यहां पे बड़ा यूज आता है साइन हाइपरबोलिक 80 एंड लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80. तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, कुछ नहीं करना है यहां पे, बस प्लस की जगह क्या लिखना है माइनस लिखना है. यहां प्लस की जगह क्या लिखेंगे आप माइनस. सो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा यहां पे साइन हाइपरबोलिक 80 अपॉन ए, और यह आएगा s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज cos हाइपरबोलिक 80. मतलब यही क्वेश्चन में अगर आपसे यहां पे हाइपरबोलिक वर्ड पूछ लिया जाए तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और अगर यहां पे माइनस है तो आपके इसके आंसर में क्या आ जाएगा यहां पे ये हाइपरबोलिक आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स मैंने आपको भी यहां पे
मेन जो फार्मूले यूज आते हैं, बेसिक फार्मूले जो यूज आते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए और इन फार्मूलों को मैंने अप्लाई करना भी सिखाया, बिकॉज फार्मूला सीखने से कुछ होता नहीं है, आपको इसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर ये फार्मूले आपको अप्लाई करना समझ में आएंगे तो आप आगे जो टॉपिक है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, ये सब आप फटाफट समझ पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अब मैं इसके बाद अगला जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मैं यहाँ पे आपको लाप्लास और इनवर्स लाप्लास दोनों एक साथ सिखाऊंगा। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे अप्लाई होता है और इनवर्स लाप्लास कैसे अप्लाई होता है। सो देखते रहिए वीडियोस और अपने कमेंट्स बराबर हमें करते रहिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच।